हेलो एवरीवन, आज फर्स्ट टाइम फ्लाइट का सफ़र कर रहा हूँ मैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड के लिए आज का ये सफ़र 4 से 4.5 घंटे का होने वाला है और आप साथ में बने रहिए। फ्लाइट से दिल्ली शहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। दो घंटे की सुखद यात्रा के बाद अब पहुंच चुके हम बादलों के शहर में। यहाँ पर चारों तरफ बादल और बादल, बादलों के सुंदर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मन को अत्यधिक हर्ष के साथ साथ आनंद का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ मानो एक बादल की एक सुंदर सी दुनिया बसी हो। चार घंटे की अद्भुत और सुखद यात्रा के बाद अब पहुंच चुके हम थाईलैंड के बैंकॉक सिटी के पास में। यहां से बैंकॉक सिटी का नज़ारा कुछ इस तरह से है। सुंदर सा शहर और शहर के बीचों बीच सड़क और चारों तरफ नहरों का जाल बिछा हुआ और बीच बीच में सुंदर से पानी के बड़े से तालाब। साढ़े चार घंटे की सुखद यात्रा के बाद फाइनली पहुंच चुके हम स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड में। ये एयरपोर्ट के अंदर का सुंदर सा नज़ारा, इसका दीदार करते हुए आगे अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर का ये सुंदर सी शॉप का दीदार करते हुए निकल रहे हैं हम पटाया शहर के लिए।
ओम भगवती वासुदेवाय नमः। स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर यह समुद्र मंथन का दिव्य एवं अद्भुत दृश्य मानव मन को हर्षित एवं पुलकित कर देता है। भगवान नटराज की यह दिव्य मूर्ति के साथ साथ समुद्र मंथन का यह दिव्य दृश्य स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है।